साल में ऐसा होगा पहली बार। रोहित शर्मा रचेंगे इतिहास, खास रिकॉर्ड करेंगे अपने नाम। 27 अगस्त से एशिया कप की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि इस बार का एशिया कप यूएई में आयोजित होने जा रहा है। इस बार एशिया कप 4 साल के बाद होने जा रहा है। आखिरी बार एशिया कप 2018 में हुआ था, जिसे भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार अपने नाम किया था। लेकिन अब इस एशिया कप में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले हैं, जिसे किसी और खिलाड़ी को अपने नाम करने के लिए शायद सदियां बीत जाए। वो क्या रिकॉर्ड है, जानते हैं इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। आपको बता दें कि टीम इंडिया एशिया कप में अपना अभियान चीर प्रतीत वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर शुरू करने जा रही है। अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैदान में कदम रखते ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बनने जा रहे हैं जो एशिया कप लगातार 7वीं बार खेलेंगे, यानी कि 7वीं बार लगातार एशिया कप में पार्टिसिपेट करेंगे। रोहित शर्मा का एशिया कप में अभियान साल 2008 से शुरू हुआ था। साल 2008 से लेकर साल 2022 तक रोहित शर्मा लगातार 7वीं बार एशिया कप में अपनी प्रेजेंस देने जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने अब तक भारत के लिए 3 एशिया कप जीते हैं, साल 2010, साल 2016 और साल 2018। इन तीनों में से साल 2018 वो एशिया कप रहा जब रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान एशिया कप में टीम इंडिया को जीत दिलाई। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि रोहित शर्मा बतौर फुल टाइम कैप्टन टीम इंडिया के लिए एशिया कप में कप्तानी करेंगे। 2018 में रोहित शर्मा भारत के लिए अस्थायी रूप से कप्तानी कर रहे थे। उस दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली थे, उनको आराम दिया गया था, जिसके बाद रोहित शर्मा को ही कप्तान बनाया गया था। लेकिन 38 सालों में पहली बार ऐसा कोई भारतीय खिलाड़ी आएगा जो लगातार 7वीं बार एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगा। आपको बता दें कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ियों में रोहित शर्मा के साथ सचिन तेंदुलकर और MS धोनी भी हैं, लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों ने लगातार 7 बार टीम इंडिया के लिए एशिया कप में अपनी मौजूदगी नहीं दी है। आपको बता दें कि एशिया कप में रोहित शर्मा के नाम कई बेहतर रिकॉर्ड हैं, जहाँ रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया कप में बतौर खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मुकाबले जीते हैं। रोहित शर्मा ने एशिया कप में कुल 21 मैचों में जीत हासिल की है। इनके बाद सनत जयसूर्या का नाम आता है, जिनके नाम 20 जीत है, वहीं MS धोनी के नाम 19 जीत है। रोहित शर्मा के नाम एशिया कप में काफ़ी रन भी हैं, इसके अलावा उनके नाम 1 शतक साथ अर्धशतक भी हैं। इस साल रोहित शर्मा अगर 117 रन बना देते हैं तो वो ऐसा करने वाले एशिया कप में पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाना है, ऐसे में रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकलने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। रोहित शर्मा कप्तान भी हैं, तो उन्हें बतौर कप्तान के साथ साथ बतौर सलामी बल्लेबाज भी एशिया कप में अपने बल्ले से योगदान देना होगा। लेकिन रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड, जो कि 38 सालों में पहली बार बनने जा रहा है, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इस एशिया कप में रोहित शर्मा क्या कमाल करके दिखाते हैं। बता दें कि एशिया कप की शुरुआत साल 1984 से हुई थी और अब तक रोहित शर्मा के जितने कोई भी खिलाड़ी एशिया कप में अपनी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए नहीं दे पाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।